आज हम ये देखेंगे कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे कितनी भी भुजा वाला बहुभुज हो, इसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है ये हमें मालूम होना चाहिए कि हर तीन भुजा वाला यानी कि त्रिभुज का के आंतरिक कोणों का योगफल अलग होता है, चतुर्भुज के लिए अलग होता है, पंचभुज के लिए अलग होता है, षष्ठभुज के लिए अलग होता है। तो क्या हमें ये रटना पड़ेगा? तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, हमें एक ट्रिक मालूम होना चाहिए, उस ट्रिक से आप किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात तो बहुभुज किसे कहा जाता है, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है। देखिए, अगर मेरे पास में एक भुजा है तो इससे बहुभुज नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति का होना जरूरी है। ये आकृति बंद है क्या? नहीं है। अगर आपके पास में दो भुजा है तो ये आकृति बंद है क्या? नहीं है। बंद कैसी है कि इसके सभी सिरे क्या होना चाहिए? एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, है क्या? नहीं है। ये वाले दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, इसका भी ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है, इसका भी ये सिरा जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके दोनों सिरे खुले हैं। यदि हमारे पास में तीन भुजा है तो इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो सबसे छोटा, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज होता है। क्यों? ये बंद आकृति है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस आकृति के अंदर घुसने के लिए कहीं से जगह नहीं है। ये क्या, कैसी आकृति है? बंद आकृति है। फिर से और एक बार सिंपल सी बात, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। देखिए, हम पहले तो बनाते त्रिभुज, मैंने बनाया यहाँ पर त्रिभुज। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो त्रिभुज बना है इसके आंतरिक कोण का मतलब क्या है? ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए 49 + 70 + 61, तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा 180 अंश ही होना है, चाहे ये त्रिभुज कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे आप इसको इस प्रकार से बना ले, चाहे इस प्रकार से बना ले, चाहे ऐसा बना ले, चाहे कैसा भी त्रिभुज बना ले, हमेशा चाहे समकोण त्रिभुज बना ले, हमेशा तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होगा, चाहे आप इसको डायरेक्शन कोई भी इसकी रख सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास चतुर्भुज है, ये मेरे पास चतुर्भुज है, कोण दिखाई दे रहे हैं 94, 94, 85 डिग्री और 87 डिग्री, चारों को जोड़ के देख लीजिए, और चारों को जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका योगफल 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर ऐसा बना दिया तो अभी भी 360 डिग्री है? बिल्कुल है। यदि हमने ऐसा बनाया तो भी क्या 360 डिग्री है? हाँ, अभी भी है। ऐसा बना दिया तो क्या 360 डिग्री है? अभी भी 360 डिग्री है। यदि हमने इसको ऐसा बना दिया तो भी अभी आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री है। चाहे आप कैसा भी चतुर्भुज बना दीजिए, सदैव इसके आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होगा। सेम इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि यदि पंचभुज है तो क्या हमें इसके आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करना होगा? षष्ठभुज है, मान लिया जाए कि छह भुजा वाला षष्ठभुज हो गया, यदि षष्ठभुज है तो इसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा, ये जानना चाह रहे हैं हम। तो बिल्कुल सिंपल काम है, इसका आपको एक फार्मूला याद रखना है कि n-2 × 180 इतना होगा, जहां n का मान, n बराबर से क्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। अब चाहे कैसा भी त्रिभुज हो या चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अब आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, त्रिभुज में कितनी भुजा, तो तीन भुजा, n के जगह तीन रख दीजिए तो 3-2 × 180 कितना हो जाएगा, 3-2 × 180 तो ये हो जाएगा 180 डिग्री होता है। ये बात हमें मालूम है। चतुर्भुज है
तो एन के जगह चार रख दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू टू हो जाएगा और इंटू 180 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमें मालूम है कि चतुर्भुज है, इसके चारों भुजाओं आंतरिक चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार से यदि पांच भुजा है तो यहाँ पर पांच रख दीजिए, 5 माइनस 2 और इंटू 180 और कितना हो जाएगा, तो ये 3 बच गया यहाँ पर और 180, तो यहाँ पर बचेगा 18 3 54, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। इतनी भी गणना करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से भुजा की बात कर रहे हैं हम, मान लिया जाए कि मेरे पास में कितनी है, 3 4 5 6, छः भुजा है ना, छः है, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल काम है, जितनी भी भुजा है उसमें से 2 को माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 4 बच गया और 4 का 180 में मल्टीप्लेशन कर दो तो 18 2 36 36 2 72, इसके अगर सारे कोणों का योगफल अगर निकालते हैं हम तो 720 डिग्री हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब चाहे कोई भी भुजा हो, कितनी भी भुजा वाला बहुभुज हो, आप आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं।